अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियालकोट न्यूज़। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को बगौर देखा होगा। किसी फैमिली का कोई एक आध मेंबर कोई चोर हो सकता है, लेकिन ये बड़ा कम देखने को मिलता है कि औरत मर्द जिनके पूरे के पूरी फैमिली चोर हो। आपने ये देखा, ये बिल्कुल नज़दीक है और इस तरह के काम अमूमन होते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन इस वीडियो की चोरी में बड़ी हैरानगी वाली बात यह है कि कार में आ रहे हैं और मर्दों के साथ उनकी ख़वातीन भी चोर हैं, और इंतहाई ये शर्मनाक चीज़ है, इंतहाई शर्मनाक बात है, डूब मरने का मुकाम है कि एक तरफ मौत के साए मंडला रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, सारी दुनिया परेशान है, माफ़ियाँ मांग रहे हैं, लेकिन इनको अभी भी इस बात की शर्म नहीं है कि एक तरफ मौत के साए मंडला रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये चोरी चकारी कर रहे हैं, और वो भी घर की ख़वातीन के साथ मिलकर। अगर यहाँ कोई आ जाता, इनको देख लेता, पकड़ लेता, तो कितनी एम्बेरसमेंट होती कि इनके साथ इनकी फैमिली के घर के जो मेम्बरान हैं वो भी मौजूद हैं, उन सब को साथ मिलाकर ये इस तरह की चोरी चकारी कर रहे हैं। तो यकीनन ये जिस तरह वीडियो इनकी वायरल हो चुकी है फेसबुक पे तो और सोशल मीडिया पे, हम भी उस पर रिएक्शन कर रहे हैं, तो यकीनन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ज़रूर पकड़े जाएंगे। इसलिए आप भी ईद के नज़दीक है बिल्कुल, तो इस तरह जानवरों की हिफाजत आप भी करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह के केसेस, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे मुस्तकबिल में भी ईद की वजह से। तो अपने जितने भी जानवर हैं उनकी देखभाल, उनकी हिफाजत इस तरह खुला ना छोड़ें कि कोई भी उठाकर कोई भी पकड़ कर ले जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि इस तरह के केसेस, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे मुस्तकबिल में भी ईद की वजह से। तो अपने जितने भी जानवर हैं उनकी देखभाल, उनकी हिफाजत इस तरह खुला ना छोड़ें कि कोई भी उठाकर कोई भी पकड़ कर ले जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।